हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। टुडेज आवर टॉपिक इज एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट, जो कि क्लास टेंथ का एक टॉपिक है। किसी सर्किल में सेक्टर और सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसको हम लोग समझेंगे आज। सेक्टर के बारे में आप सभी को जहाँ तक नॉलेज होगा, तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर के बारे में डील करेंगे। आखिर सेक्टर क्या है? तो सेक्टर आपको बता रखा है पहले ही, सेक्टर हमारे पास होता है रिस्पेक्टिव दो रेडियस प्लस आर्क के बीच का रीजन। आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। समझो, अब हमारे पास एक सर्किल है, ये एक सर्किल हमने बनाया और इसमें हमने रेंडमली कोई भी एक रेडियस ये बना दिया और कोई भी रेंडमली दूसरा रेडियस ये बना दिया, और इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा आर्क भी है ए ओ बी, जिसमें से ये हमारा आर्क है। तो ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर हमारा स्मॉलर है इसलिए माइनर सेक्टर, ऊपर वाला भी तो एक सेक्टर ही है, द अपर पार्ट इज ऑल्सो अ सेक्टर। ये वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये भी सेक्टर है, क्योंकि ये भी दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है, तो वो तो मेजर बड़ा है इसलिए मेजर सेक्टर कहलाएगा, और ये छोटा है इसलिए माइनर सेक्टर कहलाएगा। ये इसका नाम पड़ गया माइनर सेक्टर। ये क्या है हमारे पास? माइनर सेक्टर, ठीक है, और ये हमारे पास मेजर सेक्टर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया यहां पे ध्यान रखना एक नया वेरिएबल थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये एंगल क्या होता है? दो रेडियस के बीच का जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है सर्किल का कितना पोर्शन वो कैरी करेगा। तो जो पोर्शन है वो डिपेंड करता है हमारा थीटा पे, और ये थीटा क्या है हमारा? दो रेडियस के बीच का पोर्शन, दो रेडियस के बीच का जो एंगल आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे थीटा। ये क्या है हमारे पास? एंगल थीटा। कंप्लीट एंगल का कितना पोर्शन है वो हम रेशियो से पता कर सकते हैं, थीटा बाय 360। कंप्लीट सर्किल का कितना पोर्शन है ये हम पता कर सकते हैं थीटा अपॉन 360 का, और बात कर रहे हैं हम एरिया का तो सर्किल ऑफ एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास। क्या ये सेक्टर का एरिया है? कि कोई भी सेक्टर का अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला थीटा अपॉन 360। ये हमें बताता है सर्किल के पार्ट को, क्या बताता है? दिस शोज द पार्ट ऑफ सर्किल। ये क्या बताता है? कि कितने पार्ट तक वो कवर कर रहा है, पार्ट ऑफ सर्किल, ठीक है ना, पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल का कितना पोर्शन है वो, ये पार्ट बोल सकते हो या इसको हम पोर्शन भी बोल सकते हैं, कितना पोर्शन को वो कैरी करेगा, ठीक है ना। और पाई आर स्क्वायर आपको पता है कंप्लीट एरिया, तो कंप्लीट एरिया का कितना पोर्शन ये सेक्टर कवर कर रहा है वो डिपेंड करता है थीटा पे, और थीटा टोटल में हमारा 360 ये रेशियो बनाएगा। तो आपको ये एरिया पता रखना है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको यही फॉर्मूला ऑलवेज यूज करना है जब कभी सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, तो ये हमारा सेक्टर का हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग आगे आते हैं सेगमेंट के ऊपर। अब सेक्टर निकाल लिया तो अब हम सेगमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब देखो इसका एक कॉरोलरी भी है, उसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्किल है और सर्किल को हमने चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक जो सेक्टर बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल कैरी करेगा, सारा का सारा 90 डिग्री है। जब दो परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो हर एक लाइन दूसरे लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये 90 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू हमारे पास पता चल गया कि 90 डिग्री है ये। तो इस अगर रीजन का एरिया हम निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 90, तो 90 अपॉन 360 इट इज पाई आर स्क्वायर। When we divide 90 upon 360, we will get 1/4 pi r square. तो 1/4 pi r square से ऐसे भी पता चल रहा है कि हमारा सर्किल का 1/4 पार्ट है ये। वैसे भी दिख रहा है 1/4 है और आपने फॉर्मूला यूज किया तो उससे भी ये पता चला कि कंप्लीट सर्किल का 1/4 पार्ट ही है ये, ठीक है ना। तो 1/4 हमारा ये जब भी निकालेंगे ये हमारा 1/4 है सर्किल का, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, क्वार्टर सर्किल बोल सकते हैं, एक सर्किल का फोर्थ पार्ट। जब भी आप क्वाड्रेंट वर्ड यूज करो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर यूज करोगे, ठीक है ना। ये हमारा सेक्टर वाले फॉर्मूले से ही बना है, जहां पे हमारे पास थीटा का वैल्यू 90 होता है तो सर्किल का 1/4 होता है। ओके, तो चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं सेगमेंट में।
सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले हम सेगमेंट समझते हैं क्या होता है, पहले बता रखा है पर फिर भी एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। सेगमेंट हमारे पास होता है सर्किल का और कोड के बीच का एरिया। आपको बताया मैंने सेगमेंट क्या होता है, कोड और रिस्पेक्टिव आर्क, कोड और रिस्पेक्टिव आर्क के बीच का एरिया। कोई भी एक कोड बना लो आप लोग, कोई सा भी एक कोड बना लिया, ये कोड और ये आर्क, इनके बीच का जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट भी टू टाइप्स का है, एक माइनर और एक मेजर। जहाँ पे आपका पोर्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है वो मेजर सेगमेंट है, और जहाँ पे हमारा कम नज़र आ रहा है वो माइनर सेगमेंट है। तो इनका अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो ये सपोज करो सेंटर है, तो सेंटर से आपने इनके कोड के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, नेमिंग कर दिया ओ ए बी। आपको ब्लू वाले का रीजन चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं, कंप्लीट सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, आपको अगर सेगमेंट का चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे डी नाम दे देते हैं, ए ओ ए डी बी, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, और इसमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, इसको माइनस कर दोगे तो ये ब्लू वाले का रीजन निकल जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा डायग्राम समझाना चाहूँगा ऐसे। ये मान लो हमारे पास कंप्लीट रीजन है, ये कंप्लीट रीजन हमारा हो गया सेक्टर। इस सेक्टर में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस करना चाहते हो, तो लेट्स सी करते हैं माइनस इसको। ये कंप्लीट सेक्टर निकल जाएगा, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया हमारा सेक्टर हो गया। अब इसमें अगर हम लोग माइनस कर दें ये वाला रीजन, ये देखो ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर आप माइनस कर दोगे तो जो रीजन बचेगा हमारे पास रिमेनिंग पार्ट, वो हमारा क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट हमारा सेगमेंट ही होगा। वो क्या होगा, हमारा सेगमेंट ही होगा। तो आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया तो आपने पहले ही पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर में आपको इनके बीच का एंगल चाहिए, इनका बीच का एंगल आपके पास थीटा है, इट इज थीटा, गिवन थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसके बाद माइनस आपको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब ओ ए बी का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना है। क्या करना है, एक परपेंडिकुलर प्लॉट करना है। परपेंडिकुलर कैसा होगा कि ओ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करो ए बी के ऊपर, जिसका नेमिंग कर दिया हमने ओ एम, परपेंडिकुलर प्लॉट। कि आप सेंटर से किसी भी कोड पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो कोड हमारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल सी बात है। तो कोड हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए एम और एम बी, और दोनों का लेंथ हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ये थ्योरम हमने नाइन्थ में ही पढ़ा था। और ये जो एंगल है थीटा, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, थीटा का आधा पार्ट इधर हो गया थीटा बाय टू, और थीटा का आधा पोर्शन हमारा इधर हो जाएगा थीटा बाय टू। दोनों हमारा थीटा हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, थीटा बाय टू इधर भी और थीटा बाय टू इधर भी, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हाइट निकालने में काम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस गिवन है और ये हाइट चाहिए और ये हमारा बेस भी चाहिए, तभी तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आर और थीटा बाई टू को यूज़ करके हमें क्या निकालना है, ये हाइट ओ एम। इस एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमारा किस में होता है, कॉस में। तो आप पहले लगाओगे कॉस थीटा के जगह पे है थीटा बाय टू, बेस हमारे पास है ओ एम और हाइपोटेनियस है हमारे पास ओ बी। अब यहाँ पे कॉस थीटा बाय टू इज इक्वल टू ओ एम का वैल्यू हमें चाहिए और ओ बी का वैल्यू हमारे पास गिवन है आर, रेडियस है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओ एम का वैल्यू कितना निकल गया,
आर कॉस थीटा बाय टू, ये ओ एम का वैल्यू निकल गया। और ये ओ एम हमारा क्या है, ओ एम हमारा हाइट है, दिस वन इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल, ये क्या है हमारा हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ ट्राइंगल निकल गया, हाइट ऑफ ट्राइंगल निकल गया आर कॉस थीटा बाय टू। अब हमें चाहिए ये बेस एम बी, एम बी का डबल करेंगे तब बेस हमारा पता चल जाएगा। तो एम बी निकालना है तो साइन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, साइन थीटा बाय टू। तो परपेंडिकुलर हो गया एम बी और हाइपोटेनियस हो गया ओ बी, साइन थीटा बाय टू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एम बी का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करना है और ओ बी हमारे पास आर है, स्मॉल आर है, क्या ये स्मॉल आर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एम बी का वैल्यू पता चल गया आर साइन थीटा बाय टू, ये हमें पता चल गया एम बी का वैल्यू, जो कि हमारा हाफ ऑफ बेस है, बेस का आधा है ये। तो यहां से हम लोग एक चीज तो निकाल सकते हैं दोनों, अब हमें ए बी भी चाहिए तो ए बी जो होगा वो डबल होगा किसका, ट्वाइस ऑफ एम बी होगा। ए बी का वैल्यू आ गया टू आर ए बी, एम बी का वैल्यू हमारे पास साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू। तो ये हमारा हो गया बेस, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो आप लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी विल बी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस एंड हाइट, ठीक है। जहां पे हमारे पास बेस क्या है, वेयर बेस इज, बेस ऑफ ट्रायंगल इज गिवन ए बी एंड हाइट इज, हाइट इज ओ एम, हाइट इज ओ एम, पुट द वैल्यूज। ए बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी इज टू आर साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू, और ओ एम है आर कॉस थीटा बाय टू, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टू से ये टू कैंसिल हो गया और हमारे पास आर और आर मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, ये भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और इसके साथ साथ अब हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट, ये अगर हमारा यूज हो गया, अब हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट आपने क्या निकाला था, तो एरिया ऑफ सेगमेंट में थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इस सेक्टर के एरिया में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या करना था, माइनस, तो आ गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, ये आपको निकालना था। आप चाहो तो इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो आपके पास बन जाएगा थीटा बाय 360, थीटा बाय 360, थीटा पाई बाय 360 बच गया और माइनस साइन थीटा बाय टू और कॉस थीटा बाय टू, ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर सकते हो, किसमें यूटिलाइज कर सकते हो, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, सॉरी सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे थीटा आपका क्या होगा रेडियस ऑफ, सॉरी एंगल बिटवीन टू रेडियस, और आर हमारा रेडियस ऑफ सर्किल होगा, बाकी सारे तो कॉन्स्टेंट हैं आपके पास, तो वो आप अप्लाई करो और क्विकली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है और ऊपर हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ही लिया था, ठीक है ना, तो ये आपको दिमाग में रखना था। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।